And breaking news coming in, Congress leader Sandeep Dikshit has lashed out at the Election Commission, calling it Modi Bhakt. The Congress leader has also slammed CEC Sunil Arora. He stated that Sunil Arora has no spine. Once again, some very harsh words coming in from Sandeep Dikshit, who had earlier went on to use foul language against our forces, and now he goes on to lash out at the EC, calling it Modi Bhakt. Let's listen in to what he said. बंगाल में 6-7 चरण में चुनाव का क्या मतलब है भाई? इतना लंबा चुनाव करना, चुन चुन कर उन जगहों पर वोट करना जब ये चाहते हैं इलेक्शन, और यही नहीं, इलेक्शन कमीशन तो हर कदम पे नरेंद्र मोदी की भक्त की तरह काम कर रहा है भाई। आपने बंगाल में बैन किया तो प्रधानमंत्री की रैली होने के बाद 2 दिन पहले वायलेंस हुआ था। अगर आपको रात को बैन करना था तो सबको बैन करना था, लेकिन आपने चुनाव को की, आपकी हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी की रैली बैन करने की। सुनील अरोड़ा जो कमिश्नर हैं और पूरी इलेक्शन कमीशन जो है, ये सब के सब पंगू है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी नहीं है इनमें, और हिंदुस्तानी ब्यूरोक्रेसी के लिए और हिंदुस्तानी इलेक्शन कमीशन के लिए शर्म की बात है कि ऐसे लोग वहाँ बैठे हुए हैं।